हेलो गाइस, आप सभी का बालक की रसोई यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की रेसिपी है देसी स्टाइल में मूंग छिलका और चावल की खिचड़ी बनाना। तो आइए स्टार्ट करते हैं खिचड़ी बनाने के लिए ये हमने एक कटोरी मूंग छिलका डाल ली है और एक कटोरी हमने चावल लिए हैं और ये नमक स्वाद अनुसार आधा चम्मच हमने काली मिर्ची पाउडर लिया है और आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच हमने जीरा और चौथाई चम्मच हमने हींग ली है। और चटनी बनाने के लिए ये हमने दो टमाटर, पांच हमने हरी मिर्च और ये धनिया लिया है और दो प्याज लिए हैं, इसको मैंने कट कर लिया है। और ये 8 से 10 लहसुन की कलियां ली हैं, इसको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है। और ये मैंने अदरक का टुकड़ा लिया है, इसको भी चॉपर में चॉप कर लिया है। ये मैंने खिचड़ी के तड़के के लिए लिया है और ये मैंने चटनी के लिए। तो आइए बनाते हैं खिचड़ी। मूंग दाल और चावल को भिगो के रखा हुआ है और इन दोनों को मैं एक साइड में कर दूंगी। ये मैंने एक कुकर लिया है, कुकर में मैं ऑयल डालूंगी। ऑयल को मैं गर्म होने देती हूँ। हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें हींग डाल दूंगी और साथ ही ये जीरा भी डाल दूंगी। जीरा हमारा चटक चुका है, अब मैं इसमें लहसुन डाल रही हूँ। ये और लहसुन हमारा भुन चुका है, अब मैं इसमें ये प्याज डालूंगी और इसे भी मैं अच्छे से भून लूंगी प्याज को। मैं ये अदरक डाल दूंगी प्याज के अंदर, इसे भी थोड़ा सा भून लूंगी मैं अदरक को। ये हल्दी, नमक और काली मिर्च इसमें डाल दूंगी। अब मैं ये खिचड़ी डालूंगी इसके अंदर। और साथ ही मैं इसमें ये पानी डाल दूंगी। मैंने इसमें लगभग 2 गिलास के आसपास पानी डाला है। और अब मैं ये कुकर को बंद कर दूंगी और इसमें 3 विशल आने तक का इंतजार करेंगे। जब तक हमारी कुकर में विशल आती है तब तक हम चटनी बनाने की तैयारी कर लेते हैं। मैंने मिक्सी का जार लिया है और अब मैं मिक्सी के जार में ये टमाटर कट करके डाल लूंगी इसमें। और साथ ही मैं इसमें ये हरी मिर्च डाल दूंगी और ये धनिया भी इसमें डाल दूंगी मैं। और थोड़ा सा 2 चम्मच के आसपास मैं इसमें पानी डालूंगी, नमक स्वाद अनुसार डालूंगी इसमें और थोड़ा सा मैं इसमें 1/4 चम्मच जीरा डाल दूंगी। अब मैं इसको मैं बारीक पीस कर तैयार कर लूंगी। और ये हमारी चटनी पिस कर तैयार हो चुकी है, इसे मैं एक बाउल में निकाल लूंगी। ये हमारे कुकर में 3 विशल आ चुकी है, गैस को मैं बंद कर दूंगी। और ये हमने चटनी को एक बाउल में निकाल लिया है। जब तक हमारे कुकर की विशल निकल रही है मैं पापड़ को भी सेक कर तैयार कर लूंगी। ये मैंने एक पापड़ लिया है, मैं पापड़ को फ्राई नहीं करूंगी, मैं इसी प्रकार से सेक लूंगी पापड़ को। खिचड़ी के साथ पापड़, अचार और चटनी बहुत ही बढ़िया खाने का टेस्ट है इसका, आप भी इसे बनाकर जरूर ट्राई करें और इसका आनंद भी ले सकते हैं। और ये हमारा पापड़ सीककर तैयार हो चुका है। ये मैंने पापड़ को प्लेट में सर्व कर दिया है, अब मैं प्लेट के अंदर चटनी सर्व कर दूंगी। साथ में एक छोटी सी कटोरी में 2 अचार की फाड़ियां रख दी हैं।
तो ये हमारे कुकर की विशल निकल चुकी है। अब हम कुकर को खोलेंगे और ये हमारी खिचड़ी बनकर तैयार हो चुकी है। अब मैं इसे प्लेट में सर्व करूंगी। और अब मैं इसके ऊपर देसी घी डालूंगी और ये हमारे देसी स्टाइल में खिचड़ी, चटनी, पापड़ और अचार बनकर तैयार हो चुका है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।